Good morning, students. Today I am going to teach you the chapter 3, the coin collector on Ganga's bank, and the writer is Girja Shankar Kora. The coin collector on Ganga's bank, this is the chapter which is related to the children, two brothers, Kanhaiya and his brother. Now read the lines of an email that Thomas wrote to his wife in England. I stood beside an incomplete building. I was amazed to see very thin and sick looking women forming a chain and passing bricks to men busy making a high wall at a great speed. I was pained to see half naked children playing in the sun with sand and gravel. Some were rocking small babies in a kind of hammock made of cloth. ये जो ईमेल है, इस ये ईमेल लिखा है थॉमस, जिन्होंने उनकी वाइफ को लिखा है, इंडिया का सिचुएशन देखते हुए कि उन्होंने बोल रहे हैं कि एक इनकम्प्लीट बिल्डिंग के पास उन्होंने खड़े थे, तो उन्होंने एकदम अत्यश्चर्य होके देख रहे थे कि वेरी थीन एंड सिक लुकिंग वुमेन मीन्स औरतें, बहुत ही पतले, बहुत सीख, एकदम वीक टाइप का जो वुमेन है, वो लोग एक चेन फॉर्म करके ब्रिक्स मतलब ईट को ऐसे चेन बना के एक दूसरे को पास ऑन कर रहे थे एंड हाई वॉल बना रहे थे ग्रेट स्पीड के साथ. आई वॉज पेन्ड टू सी, मुझे बहुत दुख हुआ, मतलब थॉमस बोल रहे मुझे बहुत दुख हुआ टू सी हाफ नेकेड चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द सन, जब देखा कि बच्चे लोगों के कपड़े नहीं आए, अर्ध वस्त्र होके वो सूर्य के नीचे खेल रहे हैं, विथ सैंड एंड ग्रेवल मतलब रेत और छोटा छोटा रॉक्स के साथ. सम वर रॉकिंग स्मॉल बेबीज, कुछ बच्चों ने अपने अपने जिम्मेदारी निभाते हुए उनके भाई बहन को रॉकिंग कर रहे, किसमें, काइंड ऑफ हैमॉक मेड ऑफ क्लॉथ, जैसा स्विंग होता है जो क्लॉथ से बना हुआ होता है. तुम लोग भी देखा होगा कोई कोई बच्चे पेड़ के साथ ऐसा मेड ऑफ क्लॉथ से हैमॉक बना लेते हैं. अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे बाद में, व्हाई डिड थॉमस फाइंड द साइट अमेजिंग, व्हाट पेन्ड हिम एंड व्हाई, व्हाट शुड चिल्ड्रन बी डूइंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑल द टाइम. थॉमस ने क्यों, कौन सा साइट देख, कौन से दृश्य देख के उनको बहुत सरप्राइज लगा, व्हाट पेन्ड हिम, कौन से घटना उनको दुख दिया, क्यों दिया, एंड व्हाट शुड चिल्ड्रन बी डूइंग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑल द टाइम, और बच्चे क्यों ऑल टाइम ये लोग खेलते क्यों हैं. आई वॉज इन द होली सिटी ऑफ हरिद्वार, ये जो राइटर है गिरजा शंकर कौरा, उन्होंने उनकी स्टोरी बता रहा है. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले तुम लोग अच्छा से सुनो उसके बाद इसको रीड आउट करना. आई वॉज इन द होली सिटी ऑफ हरिद्वार, इट वॉज द टाइम ऑफ द फेमस कुंभ मेला. द मेला हैड जस्ट बिगन and was to continue until April 28. In these 4 months, millions of people were expected to visit the holy city. On a foggy January morning, I walked out of Lahore House on Niranjani Akhra Road, where I was staying, to go to the nearby Haveli, Hariganga, to meet a friend of mine. तो उन्होंने क्या बोल रहा है, बहुत होली सिटी हरिद्वार, हम सब जानते हैं हरिद्वार बहुत एक सेक्रेट सिटी है, एंड इट वाज द टाइम ऑफ द फेमस कुंभ मेला का टाइम है, मेला जस्ट शुरू ही हुआ उस टाइम, अप्रैल 28 तक वो कंटिन्यू होगा. उस 4 महीना में मिलियंस ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टेड टू विजिट, हम जानते हैं कि जब ये कुंभ मेला चलते हैं बहुत सारे लोग पिलग्रिम्स वहाँ पे आते हैं, तीर्थ यात्री वहाँ पे आके विजिट करते हैं. ऑन अ फॉगी जनवरी मॉर्निंग, जब बहुत ज्यादा कोहरा वाला मॉर्निंग है जनवरी में, आई वर्क आउट ऑफ लाहौर हाउस ऑन निरंजनी अखरा रोड. तो राइटर जो है उन्होंने लाहौर हाउस के पास निरंजनी अखरा रोड से पास आउट होते हुए उन्होंने वहां पे स्टे कर रहे थे, जहाँ पे एक नियर बाय हवेली था हरिगंगा उनका नाम, एंड टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनके फ्रेंड के साथ मिलते हुए जा रहे थे. आई लुक्ड फॉर अ रिक्शा बट सरप्राइजिंगली आई डिड नॉट सी अ सिंगल रिक्शा ऑन द रोड. तो उन्होंने रिक्शा के लिए वेट कर रहे थे बट सरप्राइजिंगली उस टाइम एक भी रिक्शा उनको रोड में नहीं मिला. दिस वॉज अनबिलीवेबल,
When I visited the city earlier, there were rickshaws at every place. उन्होंने बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा अविश्वस्त था क्योंकि मैं पहले जब ये सिटी विजिट कर चुके हैं तो बहुत ऐसे अनअवेलेबिलिटी नहीं था रिक्शों का, बट अभी बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी कम हो गया. बट देयर वेर नन टुडे, एक भी रिक्शा उस दिन नहीं था. सो आई डिसाइडेड टू वॉक थ्रू द क्रैम्ड एंड क्राउडेड लेन्स एंड हैव फील ऑफ द सिटी. तब हमने डिसाइड किया कि मैंने बिल्कुल नैरो और क्राउडेड लेन से हम सिटी का जो पल्स है उसको फील करते हुए हम चलते हुए जाएंगे. एवरीथिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कर्म एंड क्वाइट प्लेस वेयर आई स्पेंट द नाइट. तो जो राइटर जो हवेली में जो रुके थे वहाँ का जो एटमोसफियर था बहुत काम एंड क्वाइट, बहुत शांत पीसफुल था. लेकिन ये जो प्लेस है बिल्कुल डिफरेंट जो प्लेस के से मतलब रास्ते से वो गुजर रहे थे. एज आई वॉक आई सॉ 13 ईयर ओल्ड बॉय पर्च्ड ऑन द एज ऑफ वन ऑफ द मेनी ब्रिजेस ऑन द गंगा. जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया उन्होंने देखा 13 साल का छोटा सा लड़का, उन्होंने कहा वो लड़का कहाँ पे बैठे हुए थे, एज ऑफ वन ऑफ द मेनी ब्रिजेस ऑफ द गंगा. गंगा के ऊपर बहुत सारे ब्रिज है, उस ब्रिज का एक कॉर्नर पे एज में वो लड़का बैठा हुआ था. ही हैड एन ऑलमोस्ट 15 मीटर नायलन रोप इन हिज हैंड. उसके हाथ में 15 मीटर नायलन एक रोप था, रस्सी था. टू वन साइड ऑफ द रोप वेर अटैच्ड टू हेवी मैग्नेट्स एंड ऑन द अदर अ मेटल बास्केट. तो जो रोप है उसका एक साइड में बहुत ज्यादा हेवी दो मैग्नेट्स अटैच था और एक साइड में एक मेटल बास्केट अटैच था. I stood next to him and saw him throw the rope into the river. उन्होंने जो राइटर है वो उनके पास में जाके खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि उसने वो रोप को रिवर में थ्रो आउट किया. I was curious to know why he did so. What's your name? तो उनको बहुत सरप्राइज लगा और उन्होंने क्यूरियस हो गया कि क्यों ये लड़का इस रोप को ऐसा पानी में फेंका, गंगा में फेंका. What's your name? उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है. I asked him Kanhaiya. He answered without looking at me. मैंने जैसे ही उनको questions किया तुम्हारा नाम क्या, तो उस लड़का ने जवाब दिया Kanhaiya, पर वो बिल्कुल मेरे तरफ नहीं देखा. What are you doing? क्या कर रहे हो तुम. You should be at school in the morning, I said. तुमको इस टाइम स्कूल में होना चाहिए क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने उसको बोला. He did not reply. But gestured me to stay there. उसने आंसर नहीं दिया बट मेरे तरफ देखते हुए बोला कि यहीं पे रुको. He did not reply, but gestured me to stay there. उसने बोला कि आप यहीं पे रुको. A little later, he pulled the rope out of the water. I was amazed to see a string of coins from rupee 1 to 10 all around the magnet. Pulling out the coins offered in prayer to Ma Ganga was one of his jobs. कुछ देर बाद उन्होंने देखा he pulled the rope out of the river, out of the water. वो लड़का ने क्या किया, वो रोप को पुल आउट करके ऐसा खींचा. I was amazed. तो राइटर बिल्कुल बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि देखा पूरा स्ट्रिंग ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन्स का एकदम चेन, चाहे वो 1 रुपीज से लेके 10 रुपीज का जो कॉइन है वो उस मैग्नेट के अंदर खींच के वो उसको खींचा. Pulling out the coins offered in prayer to Ma Ganga. वो coins कौन सा है जो हम लोग माँ गंगा के पास हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, या तो यमुना गंगा बहुत सेक्रेट रिवर के पास से हम लोग जब पास आउट होते हैं तो हम लोग गंगा में वो देते हैं, डालते हैं. तो वो एक जॉब हो गया उस लड़का का कि उसने वो coins को खींच रहे थे. How many do you collect every day? तो राइटर ने पूछा तुमने ऐसा coins कितना कलेक्ट करते हो रोज. I asked him curiously, बहुत ज्यादा curious होके उन्होंने पूछा. But before he could answer my question, his brother, who was around 10 years old, shouted, वो आ रहा है, there he comes. कन्हैया rushed towards the middle of the bridge. जैसे ही मैंने questions किया उस time उसकी brother जो 10 years old का है उसने चिल्लाया वो आ रहा है, मतलब वो काम मतलब इधर की तरफ आ रहा है. कन्हैया क्या किया, एकदम से ब्रिज के बराबर माझ बराबर देके एकदम से दौड़ लगाया. एट दिस टाइम
द बॉय हर्ल्ड द बास्केट साइड ऑफ द रोप इनटू द रिवर. तो एकदम से थ्रू मतलब बहुत फोर्सफुली बास्केट को फेंका ऑफ द रोप इनटू द रिवर, मतलब वो जो रिवर के अंदर बास्केट को रोप के साथ फेंका. आई नोटिस्ड अ कोकोनट फ्लोटिंग ऑन द माइल्ड वेव्स. और राइटर ने देखा कोकोनट जो है नारियल वो ऐसे माइल्ड वेव्स के थ्रू ऐसे ऐसे जा रहे थे. द बॉय स्किलफुली पुल्ड द बास्केट विद द कोकोनट इनसाइड इट. और वो लड़का ने बिल्कुल बास्केट को ऐसा डाला कि वो कोकोनट उसके अंदर एकदम से आ गया. इट वॉज वन ऑफ द कोकोनट्स ऑफर्ड टू द रिवर बाय द पिलग्रिम्स. हम लोग जो पिलग्रिम्स होते हैं जो अच्छे अच्छे तीर्थ भ्रमण में जाते हैं उस टाइम हम लोग बहुत कुछ ऑफर करते हैं भगवान के लिए. तो हम लोग नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल को क्या करते हैं बाद में ये लोग पानी में डाल देते हैं और वो ही नारियल ये बच्चे क्या कर रहे हैं इस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं. आफ्टर ही पुट हिज कैच इन अ बास्केट आई आस्क्ड हिम अगेन हाउ मच डू यू मेक एवरी डे. जैसे ही उस लड़का ने बास्केट के अंदर वो कोकोनट को कैच किया मैंने क्वेश्चन किया हाउ मच डू यू मेक एवरी डे, कितना तुम ऐसे उठा सकते हो. दिस टाइम ही चोज टू आंसर माई क्वेश्चन. इस टाइम उसने चोज किया कि मेरा आंसर का जवाब क्वेश्चन का जवाब देगा. 500 और 600 रुपीज अ डे, 500 या 600 रुपया का पर डे वो करते हैं. ही रिप्लाइड ही स्पोक अगेन एंड सेड विथ प्राइड, बहुत गर्व के साथ बोला. ऑन 14th January व्हेन द कुंभ मेला स्टार्टेड देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पिलग्रिम्स आई कैप्चर्ड 800 कोकोनट्स. उसने बहुत प्राउडली बोला कि जब कुंभ मेला स्टार्टेड होता है उस टाइम बहुत बहुत तीर्थ यात्री आते हैं, उस टाइम मैं 800 कोकोनट कलेक्ट किया. व्हाट डू यू डू विथ सो मेनी कोकोनट्स, क्या करते हो तुम इतना कोकोनट्स लेके. आई वॉज कीन टू नो, मेरा बहुत ज्यादा जानने का उत्सुकता था. द बॉय केप्ट मॉम, बिल्कुल चुप हो गया. बट इज यंगर ब्रदर लेट आउट द सीक्रेट. उसका जो यंगर ब्रदर था 10 साल का लड़का उसने पूरा सीक्रेट को ओपन कर दिया. दे सोल्ड देम बैक टू द शॉपकीपर्स फॉर 10 अपीस. अब वही कोकोनट को फिर से वो लोग शॉपकीपर के पास बेचते हैं 10 रुपीज पर पीस. आई वॉन्डर्ड इफ दे वुड कंटिन्यू डूइंग दिस ऑल देयर लाइफ. मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य लगा कि ये बच्चे यही काम करेगा होल लाइफ. दिस इज द टाइम दे शुड बी इन स्कूल शेपिंग देयर फ्यूचर. ये टाइम है वो खुद को स्कूल में ले जाए, खुद को शेप करे, फ्यूचर के लिए बनाए. विद अ सैड हार्ट, बहुत ज्यादा दुख के साथ, दुख भरा हार्ट में आई देन वर्कड ऑन. राइटर फिर से चलना शुरू किया. फाइनली आई गॉट अ रिक्शो टू बी विथ माई फ्रेंड फॉर लंच. उसके बाद मुझे रिक्शो मिल गया जब मैं फ्रेंड के साथ लंच करने के लिए जाना था. ओके बेटा, आई हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर टूडे एंड नाउ द टाइम आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड. आई जस्ट अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स एंड यू जस्ट राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. नंबर 1 हरिद्वार, फेमस कुंभ मेला, कंटिन्यू, एक्सपेक्टेड, फॉगी, हवेली, सरप्राइजिंगली अनबिलीवेबल, क्रैम्ड, क्राउडेड, पार्च्ड, अटैच्ड, मैग्नेट्स, क्यूरियस, जेस्चर्ड, अमेज्ड, क्यूरियसली, हर्ल्ड, फ्लोटिंग, स्किलफुली, पिलग्रिम्स, कैप्चर्ड, सीक्रेट, वंडर्ड, हाँ,
बस नाउ यू जस्ट कंप्लीट इट इन योर नोटबुक विद गुड राइटिंग. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.